बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मेरे को EMIM में मौका दिया और मेरे को टिकट मिली, तो इंशाल्लाह मैं वाटर को बता दूंगी कि MIM क्या चीज क्या पार्टी है। MIM में हम MIM आने से सब प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, सबके हम प्रॉब्लम सुनेंगे और इंशाल्लाह हमारी जीती होगी, तो हम फिर उनके सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी हमारे को MIM की जो सीटें हैं इंशाल्लाह अहमदाबाद में सब सीटें हमारी जीत होगी। और MIM का नारा अहमदाबाद में, MIM का झंडा अहमदाबाद में लहराएगा। इतने साल से दूसरी पार्टियों ने जो काम नहीं किया इंशाल्लाह हमारी पार्टी काम करेगी और हमारी पार्टी की जीत होगी। और हमारा नारा है सोच बदलो हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। MIM का झंडा गुजरात में अहमदाबाद में लहराएगा। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किया है, तो जमालपुर की जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वही काम हम इंशाल्लाह जमालपुर में करना चाहते हैं। हम इस बार जमालपुर की जनता से सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं कि आप एक बार हमें एक मौका दो कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने जो काम किया है वही काम हम जमालपुर वार्ड में करना चाहते हैं। जो भी समस्याएं हैं वो सब हमने जनता से सुनी है और इंशाल्लाह उस पे ही हम लोग काम करेंगे। बस एक मौका चाहते हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किया है केजरीवाल जी ने, कि बहुत सी सेवाएं हैं, जो लेडीज़ के लिए भी जो काफ़ी सेवाएं हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज है, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री पढ़ाई वगैरह है, एजुकेशन में काफ़ी उसमें विकास हुआ है, वही चीज़ हम लोग जमालपुर वार्ड में भी करना चाहते हैं। तो जनता को हम बताना चाहते हैं कि ये अगर आप एक बार ये आम आदमी पार्टी को लाते हो, एक मौका देते हो आप, तो इंशाल्लाह आपके जो समस्याएं हैं वो उसमें काफी सुधार आ जाएगा। कांग्रेस जहाँ भी है वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। पूरी पैनल है वहाँ तो बहुत ही अच्छे हुए हैं, और जहाँ सिंगल काउंसलर जीते थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, और जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं वो भी वार्ड से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो कोई कांग्रेस पार्टी को तकलीफ नहीं है। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। 5 साल में जो चाहा था, जितना चाहा था उतना दे नहीं पाए हमारे वार्ड को, वो एक अफसोस रहा, क्योंकि जो पुराने जो लाइन्स है, पानी नल गटर की जो समस्याएं हैं और दूसरी स्कूल की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से कहीं का निकाल कर पाए और कहीं का नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी का शासन होते हुए हमें कई काम में बहुत सारी दिक्कतें आती रही, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिर से चुना है, फिर से मौका दिया है इसी इलाके के लिए, तो मैं ज़रूर से मेरे वार्ड का विकास करने की पूरी मेरी ताकत से कोशिश करूंगी। ओवैसी साहब ने सिर्फ कुछ ही वार्डों में जहां माइनॉरिटी है वहीं कैंडिडेट्स दिए हैं, तो ये पता नहीं वो क्या रन चाहते हैं, पर मुस्लिम माइनॉरिटी भी अब उनकी समझ में आ रहा है कि ओवैसी आए या कोई भी आ जाए, कोई मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ से हटा नहीं सकता, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेकर चलने वाली है, डिवाइड एंड रूल वाली पार्टी नहीं है। और ओवैसी साहब आ रहे हैं तो वो भाजपा की बी टीम बन के आ रहे हैं, ऐसा भाजपा के खुद नेता ने एक उनके इंटरव्यू में कहा है कि ओवैसी साहब MIM एक बी टीम है बीजेपी की, तो ये उनकी रणनीति को बीट देने के लिए कांग्रेस का नाम ही काफ़ी है। और ये जो आजकल जो नए नए आए हैं जैसे आम आदमी है, वो लोग का भी अभी कोई वर्चस्व दिखाई नहीं दे रहा है विस्तार में, और MIM का भी, जैसे उन लोगों ने भी आज ही कैंडिडेट डिक्लेयर किए हुए हैं और आम आदमी ने कुछ दिन पहले किए हुए हैं, पर जो कांग्रेस का काम बोल रहा है हमारी पार्टी का, हमारी पैनल का, हमारे MLA का, वो उसके हिसाब से ये सब पार्टियाँ कांग्रेस के कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा यहाँ इतने दायरे में हो या पूरे एरिया से हो, ये एक बीट करने की साजिश हो सकती है, पर कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे हाईएस्ट वोट आए थे 19,000, तो इतनी बड़ी जीत को बीट करना बहुत मुश्किल है।